नमस्कार, आपका अपना चैनल आरवी नई कहानियां में फिर से एक बार स्वागत है। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास की पूर्णिमा की व्रत कथा और जानेंगे कार्तिक पूर्णिमा पूजन के शुभ मुहूर्त। साथ ही साथ यह भी जानेंगे कार्तिक मास की पूर्णिमा में पूजा कैसे की जाती है। कार्तिक मास की पूर्णिमा की व्रत कथा। कार्तिक मास की पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन लोग स्नान और दान करते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से कई गुना पुण्य मिलता है। इस साल ये 27 नवंबर को है। कार्तिक पूर्णिमा की पवित्र व्रत कथा। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह हर महीने के शुक्ल पक्ष के 15वें दिन होती है, लेकिन कार्तिक मास में पड़ने वाली पूर्णिमा का और भी ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन लोग गंगा या पवित्र नदी में स्नान और गरीबों को दान करते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से कई गुना पुण्य मिलता है। इस साल ये 27 नवंबर को पड़ रही है। आइए सुने कार्तिक पूर्णिमा की पवित्र व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नामक एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। तारकासुर बहुत ही बलवान था। उसने धरती व स्वर्ग पर अपना आतंक मचा रखा था, जिससे परेशान होकर देवताओं ने भगवान शिव से उसका अंत करने के लिए प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने तारकासुर का वध किया। इससे देवता बड़े प्रसन्न हुए। उसके 3 पुत्रों को ये सुनकर बड़ा दुख हुआ और उन्होंने इसका बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने 3 से वरदान मांगने को कहा। 3 ने ब्रह्मा जी से अपने अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने अमरता के अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। इसके बाद उन 3 ने कुछ देर तक इस पर बहुत विचार किया और फिर ब्रह्मा जी से कहा, आप 3 अलग अलग नगरों का निर्माण करें, जिसमें सभी बैठकर पूरी पृथ्वी और आकाश में घूम सकें। 1000 साल बाद जब हम मिले तो हम 3 के नगर मिलकर एक हो जाएं। जो देवता 3 नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण बने। उन सबकी नजर में यह एक असंभव कार्य था। उन्होंने उन्हें वह वरदान ब्रह्मा जी के निर्देशानुसार मयदानव ने उनके लिए 3 नगरों की स्थापना की। तारकक्ष के लिए सोने का, कमला के लिए चांदी का और विद्युन्माली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। 3 ने मिलकर 3 लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन 3 राक्षसों से बहुत भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुनकर भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनवाई गई थी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के 4 घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक अग्निदेव स्वयं बने। इस दिव्य रथ पर भगवान शिव स्वयं सवार हुए। देवताओं से बने इस रथ और 3 भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध करते समय प्रभु लीला से एक ऐसा समय आया जब 3 रथ एक ही सीध में आ गए। जैसे ही ये 3 रथ एक सीध में आए, उसी समय भगवान शिव ने अपने बाण छोड़े और 3 का नाश कर दिया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा था। कार्तिक पूर्णिमा पूजन के शुभ मुहूर्त जाने। इस बार कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ रविवार 26 नवंबर 2023 को दोपहर 3:53 से शुरू होगा तथा पूर्णिमा तिथि की समाप्ति सोमवार 27 नवंबर 2023 को दोपहर 3:45 पर होगी।
उदयातिथि के हिसाब से देव दिवाली और कार्तिक पूर्णिमा व्रत 27 नवंबर सोमवार रखा जाएगा। 26 नवंबर 2023 के खास मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:47 से 12:29 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 5:22 से 5:49 तक। प्रदोष काल 26 नवंबर शाम 5:08 से रात्रि 7:47 तक। 27 नवंबर 2023 उदयतिथि अनुसार शुभ मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त 27 नवंबर सोमवार सुबह 11:47 से दोपहर 12:30 तक। गोधूली मुहूर्त 27 नवंबर सोमवार शाम 5:21 से 5:49 तक। सर्वार्थ सिद्धि योग 27 नवंबर दोपहर 1:35 अगले दिन सुबह 6:54 तक। आइए जाने कार्तिक पूर्णिमा के महत्व क्या है। पौराणिक मान्यता अनुसार देवता अपनी दिवाली कार्तिक पूर्णिमा की रात को ही मनाते हैं, इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक माना गया है। इस दिन नदी घाट तथा तीर्थ क्षेत्रों में स्नान का और अपनी क्षमता अनुसार दान का अधिक महत्व माना गया है। माना जाता है कि इस दिन किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा किसी भी मंदिर शिवालयों या नदी तट पर दीप दान करना भी विशेष महत्व कहा गया है। मान्यता अनुसार इस दिन दीप दान करने से समस्त देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पुराणों में वर्णित है कि भगवान शिव ने त्रिपुरारी का अवतार लेकर त्रिपुरासुर और उसके असुर भाइयों को मार दिया था, इसी वजह से इस पूर्णिमा का अन्य नाम त्रिपुरी पूर्णिमा भी है। इसलिए देवताओं ने राक्षसों पर भगवान शिव की विजय के लिए इस दिन दीपावली मनाई थी। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव की विजय के उपलक्ष्य में शिव भक्त गंगा घाटों पर तेल के दीपक जलाकर देव दीपावली मनाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन लोग अपने घरों को सजाकर श्रीहरि विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करके उनकी विशेष कृपा प्राप्त करते हैं तथा घर के मुख्य द्वार पर हल्दी मिश्रित जल डालकर हल्दी से स्वास्तिक बनाने की परंपरा है। माना जाता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी घर में प्रवेश करके धन धान्य का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। कार्तिक पूर्णिमा के पूजन विधि जाने। 27 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। अगर आसपास में गंगा नदी मौजूद है तो वहां स्नान करें, अगर न हो तो घर के पानी गंगा जल मिलाकर स्नान करें। सुबह के वक्त मिट्टी के दिए में घी या तिल का तेल डालकर दीपदान करें, भगवान श्री विष्णु का पूजन करें। पूजन के समय नमो स्तवन अनंताय सहस्त्र मूर्ते सहस्त्र पादाक्षी शिरोरो बाहवे सहस्त्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्र कोटि युग धारिणे नमः मंत्र का जाप करें। इस दिन घर में हवन करवाएं अथवा पूजन करें। घी अन्न या खाने की कोई भी वस्तु दान करें। सायंकाल के समय किसी भी मंदिर में दीप दान करें। इस दिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम विष्णु चालीसा का पाठ करें। मंत्र ओम विष्णुवे नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम सो सोमाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम चम चंद्रमस्य नमः आदि का अधिक से अधिक जाप करें। उम्मीद करती हूँ आपको ये कार्तिक मास की पूर्णिमा की व्रत कथा और पूजा विधि अच्छी लगी हो। धन्यवाद।